सारे देश ने अन्ना जी को रामलीला पर भारत माता की जय ये हुंकार भरते सुना है, देखा है, उसको महसूस किया है। और उस हुंकार के पीछे सारा देश अन्ना जी के साथ में खड़ा हो गया था। उस सारे देश के बीच में मैं भी एक वो लड़का था जो अन्ना जी से इंस्पायर हुआ था। पहला थॉट ये था कि इस उम्र में अन्ना जी सरकार से क्यों झगड़ रहे। जब रात को अन्ना जी ने कहा कि जब तक सरकार मुझे आंदोलन के लिए जगह नहीं देगी मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे ऐसे लगा ये आदमी दुनिया में जो भी सोचे वो कर सकते हैं। और भारत माता की जय बोलते से ही सारा देश जिस आदमी के पीछे खड़ा हो जाता था, एज ए आदमी, एज ए राइटर, एज ए कैरेक्टर, मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसी क्या ताकत है इस खासियत में, इस शख्सियत में क्या खासियत है जिसके एक आवाज़ में इतनी ईमानदारी है, इतनी सच्चाई है कि सारा देश अन्ना अन्ना करने लगा था। और वो रीज़न था कि मेरे अंदर के राइटर को ऐसा लगा कि अगर इनकी जर्नी मैं खोज पाऊँ तो एक फिल्म बन सकती है। और जब मैंने जर्नी खोजनी शुरू की 1.25 साल 1.5 साल में भिंगार, रालेगन, तिहार जेल, काफ़ी जगह गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी, अन्ना जी की स्टोरी जो है, ये इंडिपेंडेंस के बाद की भारत की, आज़ादी के बाद की भारत की स्टोरी है। भारत का जो रियल विकास है उसकी स्टोरी है। अन्ना जी की जो सक्सेस है, अन्ना जी की जो शख्सियत है, वो हिंदुस्तानी मिट्टी की सक्सेस है। हम सब लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं लेकिन उसके साथ में बाय प्रोडक्ट में दुख पाते हैं। अन्ना जी के हमेशा कहते हैं कि मुझे जब भी मैं सोता हूँ मुझे नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो सक्सेस एक ऐसी शख्सियत जो हमारे देश के नौजवानों को एक हीरो की ज़रूरत है, जो फिर से हमें एक बार हमारे हिंदुस्तानियत की बात दे, वो शख्सियत अन्ना जी में है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म देखने के बाद हमारे देश का नौजवान फिर से एक बार एक नई सोच लेके खड़ा हो जाएगा। ये रीज़न था मैंने अन्ना जी पे फिल्म बनाने का सोचा। Like to share that experience. हमने तो सिर्फ एक्सपीरियंस किया है। मैं तो ये सोचता हूँ अन्ना जी ने ज़िंदगी कैसी जी होगी। जब जब मैं शूटिंग करता था, हम तो एक दो दिन शूटिंग करते थे, मैं सोचता था अन्ना जी ने इतने साल यहाँ कैसे गुजारे होंगे। एवरी मोमेंट हमने बहुत, मतलब वो जर्नी जब शूट करते थे हम, वो हम काफ़ी बाद में लेंथ में डिस्कस करेंगे। 5 साल हुए ये सपना देखा था, आज ये सपना पूरा होने को है। अभी आप लोगों ने ट्रेलर देखा, बहुत से लोगों की मेहनत होती है इस सिनेमा बनने के पीछे। आज मैं अपने टेक्नीशियंस का, अपने एक्टर्स का थैंक यू कहना चाहता हूँ। फिल्म सिर्फ कलाकारों से नहीं बनती, फिल्म बनाने को बहुत सा पैसा लगता है। एक स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है जो फिल्म को बैक करे, स्पेशली अन्ना जैसी फिल्म को बैक करे। क्योंकि जैसे सभी लोग बोलते हैं कि ऐसी फिल्में सालों में एक बार आती है, तो उसका, उस फिल्मों को बनाने का मेंटेलिटी भी प्रोड्यूसर में अलग होती है। तो मैं इस वक्त हमारे इस फिल्म के निर्माता मनिंद्र जी जैन को मैं सादर यहाँ आह्वान करता हूँ कि प्लीज़ आइए और अपने दो शब्द कहिए। Please give him a big round of applause and let's welcome. सभी को प्रणाम करता हूँ। अन्ना जी का आशीर्वाद पुनः अपेक्षित है और शशांक और पूरी जो टीम, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप क्या जानना चाहेंगे मुझसे? सर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। एज अ प्रोड्यूसर व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मूवी? मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि इस फिल्म को आपने क्यों बनाया। उसका जवाब मैंने पहले भी दिया था, कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है। मैंने इस फिल्म को बनाने का सोचा कि शायद हमारे देश में इस फिल्म को देख करके और भी अन्ना, गांधी जी और सुभाष जी जैसे लोग पैदा हों, यूथ को इंस्पिरेशन मिले और बच्चों को संस्कार मिले। क्योंकि जब स्क्रिप्ट हम लोगों ने देखी तो एक 9 साल के बच्चा जब वो झूठ बोलता है और उसकी माँ उसको बताती है और किस तरह संस्कार देती है, वो सब चीज़ आप इस फिल्म में देखेंगे। और वही संस्कार
एक छोटे से बच्चे के मन में आखिर तक रहते हैं और वो आगे चल करके देश के लिए एक दिशा बन जाता है, ये मेरी इसके लिए सोचती है। सो आप सभी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस मूवी में, दिस फिल्म ऑल्सो स्टार सम ऑफ द रिनाउंड एक्टर्स लाइक तनीषा मुखर्जी, गोविंद नामदेव, शरद सक्सेना, किशोर कदम एंड शशि श्रीवास्तव एंड मैनी मोर। तो ज़रूर चाहती हूँ इनके लिए भी ज़ोरदार तालियाँ, कुछ यहाँ पर प्रेजेंट हैं कुछ नहीं हैं। एंड येस, द मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन 14th October 2016। सो मैं अभी, मेरा सौभाग्य है कि इस फिल्म में गोविंद सर जैसे एक एक्टर ने हमारे साथ काम किया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सर आप डायस पे आइए। थैंक यू, प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम सर। परम आदरणीय अन्ना जी को मेरा प्रणाम, बाकी और हमारे जो दूसरे मित्र यहाँ पर मौजूद हैं उनको मेरा हृदय से अभिनंदन। ये सचमुच मेरी खुशनसीबी है कि आज अन्ना जी हमारे सामने हैं, मैं अन्ना जी के साथ हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है, बल्कि हम सबकी खुशनसीबी है कि अन्ना जी के ऊपर फिल्म बनी। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस फिल्म में मैंने भी एक अहम किरदार निभाया है, निभाने का मुझे मौका मिला है। खुशनसीबी इसलिए कि अन्ना जी हमारे आदर्श हैं, आज के टाइम के हमारे आदर्श हैं, आज के टाइम की जनरेशन के आदर्श हैं, हमारी ताकत हैं। इसी वजह से पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हो गया था, आज भी खड़ा है। मेरी ये शुभकामना है, मेरी ये दुआ है, मेरा ये आशीर्वाद है कि ये फिल्म बहुत अच्छे स्तर पर रिलीज हो, लोगों के दिलों में जगह बनाए और खूब चले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। प्लीज हैव अ सीट। मैं अतुल जी को भी सादर आमंत्रित करता हूँ, प्लीज आइए। आइए, जोरदार तालियां इनके लिए। दोस्तों, अब आपकी इजाजत से मैं उस शख्सियत को आपके सामने बुलाना चाहता हूँ, जिस शख्सियत ने हम लोगों को जीने की नई प्रेरणा दी है। 2011 के बाद में फिर से तिरंगा झंडा के लेके हमारा एक उत्साह, एक उम्मीद बहुत ज़ोरों से बढ़ी है। देखने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। पता नहीं था भगवान ने मुझे इतना बड़ा भाग्य दिया है कि उन पे लिखी फिल्म को मैं लिख पाऊँ, डायरेक्ट कर पाऊँ और अन्ना जी का किरदार मैं निभा पाऊँ। शायद मेरे माता पिता ने कुछ पुण्य किए होंगे जो आज मुझे ये दिन देखने के लिए नसीब हुआ है। मैं 100 बार अन्ना जी का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे एक्टर को उन्होंने मौका दिया कि उनके जीवन चरित्र को मैं पर्दे पर उभार पाऊँ।